फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स पे क्लिक कीजिए, लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। साथ ही अगर कमेंट बॉक्स खोल ही रहे हो ना, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही देना। जहां लास्ट सीन में हमने देखा था कि हीरो जोही को वैसे तो बचाने के लिए चाहता है, लेकिन उसका खून देख कर उसके अंदर का वह वैम्पायर जाग जाता है, उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। वो बस उसका खून पीने ही वाला होता है, लेकिन डोशीमा की धक्का मार के उसे गिरा देता है। जोही को वहां से उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जोही तो बेहोशी की हालत में भी हीरोल का नाम ही पुकार रही होती है। ये सब कुछ सोच कर टॉशन तो बहुत ज्यादा शॉक हुए जा रहा था, और उसने हीरोल के नेक पर वो मार्क भी देख लिया था, जिससे कि उसे यकीन हो गया था कि हीरोल ही वो आधा वैम्पायर और आधा इंसान है जिसका खून उसे पीना है, जिससे कि उसकी बरसों की चली आ रही दिल की बीमारी ठीक हो सकती है। वही बेचारा अपने वैम्पायर भी बहुत दुखी होकर बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जूही को इस तरह से कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। हॉस्पिटल में जैसे ही जूही को होश आता है, तो सबसे पहले वो डोशीम से हीरोल के बारे में पूछती है, लेकिन डोशीम फिर से उसे समझाते हुए कहता है कि तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसने तुम्हारा खून पीने की कोशिश की है। लेकिन जूही को तो डोशीम की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और बोलती है हीरोल मेरे साथ कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वैसे भी हम बहुत टाइम से साथ रह रहे हैं, और अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो मुझे बहुत पहले मार चुका होता। लेकिन डोशीम फिर से उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसा ही हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मैं तुम्हें वापस से मेंशन नहीं जाने दूंगा। हीरोल बेचारा गम का मारा जूही के घर आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जूही तो आती ही नहीं है, तो वो उसे फोन लगाने लग जाता है। और वहीं हॉस्पिटल में जूही सो रही होती है, जिसका फोन आकर डोशीम उठा लेता है, बोलता है कि तुम एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हो और मैं जूही को तुम्हारे साथ रहने नहीं दे सकता, मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है, उससे दूर रहो। साथ ही कॉल लिस्ट से हीरोल का नंबर भी हटा देता है। और वही हीरोल भी मिस्टर कैट की बातें सोच रहा होता है, जिसने कहा था कि जूही और हीरोल में से सिर्फ एक की जान ही बच सकती है, और अगर उसे पूरा इंसान बनना है तो उसके लिए उसे जूही का सारा खून पीना होगा। जब तक वो मर नहीं जाती, वो जूही को नहीं मार सकता, क्योंकि आखिरकार वो उसका प्यार जो ठहरा, और इसलिए वो खुद को मारने का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूही फटाफट से रेडी होकर वापस से मेंशन के लिए जा रही थी, जहां पर डोशीम आता है। वो उसे उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है। डोशीम उसे जाने के लिए रोकता है, लेकिन वो फिर उसे समझाते हुए कहती है कि मैं हीरोल के बिना नहीं रह सकती। तो डोशीम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारा यूज कर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ इंसान बनने के लिए तुम्हारा खून चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, उसे तुमसे प्यार नहीं है। लेकिन फिर भी जूही उसकी बात नहीं सुनती और मेंशन जाने का फैसला करती है। यहाँ हीरोल से मिलने के लिए सोहा पहुंची हुई होती है, जो कि उसे ना ही की फोटो देते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा प्यार जब मैं हूँ, तो तुम जूही को कैसे चूज कर सकते हो। हीरोल उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, ये मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, जरूरी नहीं है कि अगर तुम ना ही जैसी दिखती हो तो तुम सच में ना ही हो। नेक्स्ट सीन में हीरोल जूही के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो यहाँ से चला जाएगा, जहाँ पर उसे भागते हुए जूही आते हुए दिखाई देती है और आकर सीधा उसके गले से लग जाती है और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगती है। हीरोल जाकर सीधा चंगू मंगू से मिलता है और बोलता है कि वो जूही को यहाँ पर छोड़कर अकेला नहीं जा सकता, और इसलिए उसे हर हाल में सबसे पहले उसके फादर को ढूंढना होगा। चंगू मंगू के ये पूछते ही कि अब तो उसके ब्लड में प्यार भर गया है और तुम्हें लव ब्लड मिलने ही वाला है, जिससे कि तुम पूरी तरह से इंसान बन सकते हो, तो तुम ये सब कुछ छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। योर उन्हें सच्चाई तो नहीं बताता, साथ ही बोलता है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, जो मैं बाद में तुम दोनों को समझा दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है, तो इसलिए फटाक से लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। रात के टाइम में हीरोल को दुखी पाकर जूही उसके पास जाती है, सैड होने का उससे रीजन पूछती है, तो वो बोलता है कि मैं तो प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे सर पे चोट लगी थी और तुम्हारा खून देखकर मुझे उसे पीने का मन हो रहा था, जिसका मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट है। लेकिन जूही फिर उसे समझाते हुए कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और मायने ये रखता है कि अभी हम दोनों साथ में हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्पायर लिए डोशीम से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है, जो कि उससे अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बदले उसके पैसे मांग रहा था। लेकिन डोशीम उसके साथ ये डील करने लग जाता है कि अगर वो हीरोल को उसके लिए जिंदा पकड़ कर लेकर आएगा, तो वो उसको बहुत सारा पैसा देगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही है कि डोशीम हीरोल का खून पीना चाहता था और अपनी दिल की बीमारी को ठीक करना चाहता था। यहाँ हीरोल चंगू मंगू के साथ में मिलकर जूही के फादर को ढूंढने में लगा हुआ था।
नेक्स्ट सीन में सोहा जुए से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो कि उस मेंशन में इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे उसे वापस मांग रही होती है। साथ ही बोलती है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, जबकि ये बात तुम पहले से ही जानती थी कि ह्योल एक वैम्पायर है। मैंने अपना पैसा इंसानों के लिए इस गेस्ट हाउस में लगाया था, वैम्पायर्स के लिए नहीं। साथ ही अगर तुम सारा पैसा नहीं लौटा पाओगी तो ये मेंशन छोड़ के जा सकती हो। जोई उसे बोलती है कि ह्योल के लिए मेंशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती और तुम्हारा पैसा मैं लौटा दूंगी। सोहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ह्योल का नाम सुनते ही, वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन जो इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोहा फिर वहाँ से उसे एक हफ्ते का टाइम देकर चली जाती है। जैसे ये बात ह्योल को मालूम होती है, वो फटाक से जोई से मिलने के लिए आता है और उसे सोहा के बारे में पूछता है, जहाँ वो सारी बातों को छुपाते हुए कहती है कि वो तो बस उससे ऐसे ही मिलने के लिए आई थी, उसका हाल चाल पूछने के लिए। जहाँ पर फिर ह्योल के ये पूछते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे डैड वापस से मिल जाते हैं तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। जुई बोलती है कि ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है और वैसे भी मुझे अब डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो और बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। यहाँ मिस्टर कैट चंगो मंगो से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जो कि उन्हें ह्योल और जुई के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और ह्योल यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाला है। वहीं ह्योल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसके हाथों पे अजीब से निशान आने लग जाते हैं। जैसे ही चंगो मंगो वहाँ पर पहुंचते हैं, वो उन्हें देखते ही छुपा लेता है, लेकिन अब चंगो मंगो को सब कुछ मालूम पड़ चुका था। वो तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, बोलते कि तुमने हमसे बात क्यों छुपाई है। ह्योल फिर उन्हें समझाते हुए कहता है कि जुही उसका प्यार है और वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता है और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जहाँ पर चंगो मंगो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो हमारे बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, पहले तो तुम 100 सालों के लिए कॉफिन में सोने के लिए चले गए थे और अब तुम हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे और हमें तुम्हारी जरूरत है। नेक्स्ट सीन में जूही बैंक से लोन लेने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारा लोन था, इसलिए वो बेचारी वहां से निराश ही होकर आने लग जाती है। रास्ते में फिर उसे चिकन शॉप वाली लेडी मिलती है, जिससे बातों ही बातों में उसे ये पता चल जाता है कि ये वो उसके फादर के बारे में पूछ रहा था और उन्हें ढूंढ भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर ली ने ह्योल को ये बोलकर एक जगह पर धोखे से बुला लिया था कि उसे जुई के फादर की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, और यहाँ जैसे ही जुई मेंशन में पहुँचती है, ह्योल को ढूंढती है, जो कि उसे नहीं मिलता है और उसके हाथ में वो पैम्पलेट्स भी थे। जैसे ही ह्योल उस लोकेशन पे पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को वहां पर अंदर देखता है, उसे काफी खून की स्मेल आ रही थी और धोखे से फिर उसे भी एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वैम्पायर ली को देखकर उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और ली भी उसका नाम लेकर उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि ना तो तुम अभी वैम्पायर हो और ना ही तुम अभी इंसान हो, लेकिन गोई तो है जिसके लिए तुम्हारा खून बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो तुम्हारा खून पीना चाहता है। और ये बोलते ही वो डॉशिम को कॉल लगाने लग जाता है और बोलता है कि उसने ह्योल को पकड़ लिया है। जुई के डैड भी वहीं पर उसी जेल में बंद थे, जो कि उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो ह्योल को उसके नाम से पहचान लेते हैं। वहीं चंगो मंगो भी रोज के साथ में ह्योल को बचाने के लिए उसी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। जैसे ही वैम्पायर ली बाहर जाता है, चंगो उसे जोरदार पंच मारता है, दोनों के बीच में घमासान फाइट होने लग जाती है, लेकिन ली उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो तो उसे गिरा गिरा कर मार रहा होता है। रोज भी उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ली तो उसी का गला दबा कर उसे मारने लग जाता है, लेकिन मौका पाते ही मंगुआ पर पहुंच जाता है और रोज को बचा लेता है और उसे ह्योल के पास जाने के लिए कहता है और चंगो मंगो दोनों मिलकर ली को बाहर ही रोक कर रखते हैं। ह्योल और उन सारे लोगों को अंदर जेल में देखकर रोज तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी सुपरनेचुरल पावर से जेल का ताला खोल देती है और सबको बाहर निकाल देती है। ली ने यहाँ पर चंगो मंगो को बहुत बुरी तरह से मार रखा था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, क्योंकि वो ह्यूमन ब्लड जो नहीं पीते थे। ह्योल और रोज भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ह्योल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ली उसके दोस्तों को मार रहा है, और इसलिए वो ली के ऊपर जोरदार पंच मारता है और उन दोनों के बीच में लगातार फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ह्योल के ऊपर ली भारी पड़ रहा होता है, वो उसे मारने लग जाता है, बट चंगो मंगो और रोज आकर उसे बचा लेते हैं और ली वहां से डर कर ऐसे ही उड़कर चला जाता है और बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। ह्योल की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जहां पर अचानक से जुई के डैड पहुंच जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए ह्योल को थैंक यू बोलते हैं और साथ ही अपना नाम भी उसे बता रहे होते हैं। उनका नाम सुनते ही ह्योल तो काफी शौक हो जाता है और बोलता है कि आपकी बेटी आपको बहुत टाइम से ढूंढ रही है, और वह काफी खुश भी हो जाता है। जैसे ही फिर डॉशिम उस लोकेशन पे पहुंचता है, वो तो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर तो कोई था ही नहीं और पूरा लोकेशन खाली था, बस उसे खून की स्मेल आ रही थी।
यहाँ रोज और चंगू मंगू के साथ में मिलकर ह्यूल जूही के डैड को वापस घर ले आता है, जो कि उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। डैड जूही और उसकी मॉम को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और इसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलते हैं। उनको काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है, लेकिन जूही को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और साथ ही बोलते हैं कि भले ही आपने अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से बिताई हो, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं आपको अब अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप तो मेरे लिए पहले ही जा चुके हो। इससे पहले कि डैड उसे समझा दे कि वो उसे छोड़कर नहीं गए थे और सारी सच्चाई उसे बोल पाते, इससे पहले ही जूही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और जाकर ह्यूल को डांटने लग जाती है कि जब मैंने तुमसे मना किया था तो तुम उन्हें ढूंढने के लिए क्यों गए हो। ह्यूल फिर उसे समझाते हुए कहता है कि वो तुम्हारे डैड हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत मिस भी किया होगा और इसलिए अब सब कुछ भूलकर तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए, लेकिन जूही तो उससे भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है ये बोलकर कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और अपने रूम में जाते ही वो अपने फादर की फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है। डॉशिम यहाँ पर ली के ऊपर फोन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि उसे हर हाल में ह्यूल का ब्लड चाहिए और ली भी उससे ये वादा करने लग जाता है कि वो उसे जिंदा पकड़कर उसके पास जरूर लेकर जाएगा, बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूल को जूही के डैड से ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने जूही और उसकी माँ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके एंसेस्टर ने उन्हें इस मेंशन की रखवाली करने का जिम्मा जो सौंपा था, लेकिन वैम्पायर ली बार बार आकर उसे धमकी देते हुए उसे इस मेंशन को बेचने के लिए कहता था, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इसे अपने एंसेस्टर की तरह ही अपनी बेटी को सौंपना चाहता था, क्योंकि ये मेरी ब्लड लाइन से चलता आ रहा है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन वैम्पायर ली ने मुझ पर हमला करके मुझे ले जाकर उस जेल में डाल दिया क्योंकि वो हर हाल में उस मेंशन को पाना जो चाहता था। जेल में मेरा वक्त बहुत ही बुरा बीता था और मैं हर वक्त बस अपनी बेटी से किए हुए उस वादे को ही याद करता रहता था कि मुझे अपनी बेटी से वापस मिलने जाना है, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब बोलकर जूही का डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है, काफी रो रहा होता है। जूही ने भी उनकी सारी बातें वहीं पर खड़ी होकर सुन ली थी और वो भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। वहीं डॉशिम को वैम्पायर ली की बातें और उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सोच रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। नेक्स्ट सीन में ह्यूल जूही के डैड का हेयर कट करवा कर हवेली में ले आता है। जूही तो उन्हें देखती ही रह जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। डैड फिर जाकर उससे बात करते हैं, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया उन सबके लिए उसे माफी मांगते हैं। जूही भी फुट फुट कर रोने लग जाती है और बोलती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता जो चल गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये जानने के बाद कि सोहन जूही से मेंशन में लगाए हुए इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे वापस मांग रही है, वो तो उसे समझाने लग जाता है और बोलता है कि जूही को परेशान करना छोड़ दो, लेकिन वो भी उसे बोलती है कि मैं तो अपना मेंशन हर हाल में लेकर रहूंगी अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो, और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में जूही ह्यूल से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो कि अपने ही सजाए हुए उसी ट्री को देख रहा होता है जो उसने जूही के लिए सजाया था। जूही उसे आगे पीछे से हग करते हुए उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ ही उसे सॉरी भी मांगती है कि उसके चक्कर में वो पूरा इंसान नहीं बन पाया क्योंकि उसने कॉफिन जो खोल दिया था। ह्यूल भी फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि फिक्र वाली बात नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम और दयालु हूँ और मैंने तुम्हें माफ किया। जूही भी फिर सुनते ही हंसने लग जाती है और साथ ही वो उसे बोलती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और अब तुम्हें मेरा खून पीकर पूरा इंसान बन जाना चाहिए। जहाँ फिर ह्यूल उसे बहाना मारती है और सच छुपाते हुए कहता है कि अगर मैं वैम्पायर नहीं रहा तो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुँच नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक इंसान बनने के बाद तो तुम्हारा ये काटा हुआ निशान भी तो गायब हो जाएगा ना। और ये सुनते ही जूही तो हंसने लग जाती है। रात के टाइम पर जूही अपने डैड के साथ में डिनर पर होती है, जहां बातों ही बातों में डैड को मालूम चल जाता है कि जूही ह्यूल को लाइक करती है। जूही के लिए तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ इसी बात की चिंता थी कि ह्यूल एक वैम्पायर है और आगे पता नहीं अब क्या होने वाला था। यहाँ पर डॉशिन और वैम्पायर ली के बीच में बहस चल रही होती है, क्योंकि वैम्पायर ली डॉशिन से ह्यूल के खून लेने का रीजन पूछ रहा था क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि खून मिलने के बाद डॉशिन वैम्पायर ली को भी मार देगा, उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन डॉशिन रीजन बताने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वैम्पायर ली गुस्सा होकर वहां से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ह्यूल को नहीं पकड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में जूही के पास मेंशन खाली करने के लिए कोर्ट से नोटिस आया हुआ होता है, जिसे वो बाकी सबसे छुपा रही होती है। चंगू मंगू ह्यूल के साथ में वहीं पर होते हैं और सबको इस बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है।
सच आने के बाद क्यूल सीधा सोहा से मिलने के लिए पहुंचता है और उससे ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि जूही को वो वहां से ना निकाले, क्योंकि वो चाहता है कि जूही अपने फादर के साथ खुशी खुशी से उसी मेंशन में रहे। लेकिन सोहा तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो मेंशन के साथ साथ ह्योल को भी पाना चाहती थी। वहीं जूही को फिर ये मालूम चल जाता है कि डॉशिम ने सोहा को इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा लौटा दिया है, वो उससे मिलने के लिए चाहती है। जहां डॉशिम उसे बोलता है कि इन सारे चक्कर में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही फंसी हो, क्योंकि गेस्ट हाउस का आइडिया तुम्हें मैंने ही तो दिया था और अब मैं तुम्हें और प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकता। और जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट वाली बात सोहा को मालूम पड़ती है, वो तो डॉशिम से लड़ने ही पहुंच जाती है। जहां डॉशिम भी उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं जूही को परेशान होते हुए नहीं देख सकता और तुम भी उससे दूर रहना। लेकिन सोहा को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वहां से ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि अब तुम मेरे नेक्स्ट मूव का वेट करो। वही दूसरी तरफ देखते ही देखते ह्योल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। जूही उसके पास जाकर उसको संभालती है और उसके हाथों पे वो निशान भी देख लेती है। ह्योल बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जूही के साथ साथ चंगू मंगू भी वहां पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन जूही को तो यही लग रहा था कि शायद अब वक्त आ चुका है और अब उसे अपना खून ह्योल को हर हाल में देना ही होगा, वरना वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन सच तो उसे पता नहीं था और तो और चंगू मंगू भी उसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि ह्योल ने उन्हें मना किया था। नेक्स्ट सीन में डॉशिम का सेक्रेटरी उसे एक स्पेशल नाइफ लाकर देता है, जो कि उसने बनवाने के लिए दिया था, जो कि एक वैम्पायर हंटर नाइफ है और ये उसी चीज से बनाया गया था जिससे पहले ह्योल के सारे वैम्पायर साथी और नाही को मारा गया था। वहीं जैसे ही ह्योल को हो जाता है, वो तो हवेली से ही जाने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जूही ने उसके सारे निशान देख लिए और अब वो उससे अपना खून पिला कर ही रहेगी। जूही भी ह्योल को यहाँ वहाँ पूरे मेंशन में ढूंढ रही होती है, लेकिन वो तो उससे मिलता ही नहीं है। जहाँ पर चंगू मंगू उससे आकर बोलते हैं कि ह्योल जा चुका है और अब वो मरने वाला है। जूही को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जहाँ फाइनली वो दोनों उसे सब कुछ सच सच बताते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और इसलिए ह्योल अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जा रहा है। जूही भी भागते भागते उसके पीछे पीछे जाती है और ह्योल बहुत दूर निकल चुका था। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डॉशिम के हाथ में अब वैम्पायर हंटर चाकू लग चुका है और सोहा भी हर हाल में ह्योल को पाना चाहती है। तो हमारे लव बर्ड्स का क्या होगा, जूही और वैम्पायर मिल पाएंगे या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको 1000 लाइक का टारगेट कम्प्लीट करवाना होगा, वरना मैं नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी।